तालाब खोलने की वजह अभी फिलहाल इसलिए है क्योंकि अभी भी जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं हर रोज 10-12 आगे भी जा रहे हैं, इससे भी ये थोड़ा सा हमारे लिए एक कंसर्न है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सोचेंगे। जहां तक बस वालों की बात है तो प्राइवेट सेक्टर की उनके साथ मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बोलूंगा एक बार बैठे बातचीत करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने खोली है और उनके इश्यूज जो होंगे जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सुनेंगे और जो किया जा सकता है उसमें करने की कोशिश करेंगे क्योंकि संकट के दौर में सब लोग प्रभावित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से प्राइवेट ऑपरेटर्स भी उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। टूरिज्म सर की बातें हम सुनेंगे, समाधान का रास्ता क्या निकलता है। टूरिज्म सर, टूरिज्म टूरिज्म सर किराया बढ़े तो और जो खाली सीटें उसका कंसेशन मिले। देखिए ऐसा है ना कि उनसे पहले बातचीत करनी बहुत जरूरी है, बैठ करके जब बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा। सर होटल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई सर, वो भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि नुकसान होगा, इनसे भी कोई चर्चा हो पाएगी। कोई भी आदमी नहीं बचा है नुकसान से, तो ऐसी स्थिति में जो चीजें जो करने की होंगी करते रहेंगे। आज ही इसकी इंटीमेशन मिली है, जानकारी मिली है, चेकअप कर रहे हैं कि अब उसमें परिवार वालों को के साथ आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में वहां से अगर ये अभी तो पुष्टि इस सारी चीज की होनी है कन्फर्म हम ऑफिशियली इस बात को तब तक नहीं कह सकते जब तक हमको पुष्टि नहीं है। जैसे पुष्टि होती है तो उसके बाद आगे की जो चीजें करने की होंगी जो परिवार वाले चाहेंगे उस तरह से।